दोस्तों ये है 2023 मॉडल यामाहा FZS वर्जन 3.0, यानी कि यामाहा की FZS जो है दोस्तों वो दो वेरिएंट में आ चुकी है। ये है वर्जन 3.0 और एक जो अभी इससे पहले वीडियो मैंने डाला था वर्जन 4.0। ये E20 मॉडल है, ऐसा मत आप सोचिए कि पुराना मॉडल है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, लेकिन E20 में सबसे नया अपडेट वाला मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भाई इसका साइड का लुक। और चलिए हम आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बताते हैं कि कितनी इसकी कीमत है। तो सबसे पहले आप फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल LED स्प्लिट हेडलाइट आपको मिलती है, यहाँ पर आपको मिल जाता है पायलट लाइट और इंडिकेटर आपको इसमें बल्ब वाला मिलेगा, यामाहा R15 वाला इस तरह से देख सकते हो। इसके वर्जन 4 में आपको मिलता है LED इंडिकेटर और इसको उसकी हेडलाइट अलग मॉडल है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो इस तरह से उसमें LED वाले DRL मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो नंबर प्लेट यहाँ आ जाएगा और सामने का लुक इस तरह से। और भाई अगर आप सामने से देखोगे तो इस तरह से आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यामाहा का सबसे हैवी। और टायर आप देख सकते हैं भाई 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, हीरो ग्रिप वाले टायर और इसमें आपको टाइपिंग भी इस तरह से काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब साइड से अगर आप देखेंगे तो FZS वर्जन 3.0 क्रोम फिनिशिंग वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इस तरह से मिलेगा ग्रिल आपको, और दोनों साइड का देख सकते हैं ग्रिल इस तरह से मिलेगा। इस गाड़ी का जो लुक है बहुत ही गजब का है भाई, इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से भी गाड़ी दिख जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे इसका हैंडल बार तो भाई इसमें हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल और यहाँ पर आपको मिलता है हारन और इस तरह से आप इसका हैंडल बार देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका पाइप वाला हैंडल बार रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं इंजन के स्विच है, सेल्फ स्टार्टर है और यह रहा इसका मीटर जिसमें आपका स्पीड और यहाँ पर आपका फ्यूल बताएगा। ट्रिप का ऑप्शन इसी के अंदर दिया गया है, इसी बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए ट्रिप 1 ट्रिप 2 और ये रहा टाइम भी, टाप का टाइम भी बताएगा, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है इसका, ये देखिए ठीक है इसमें टाइम भी शो करेगा तो ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतर चीज़ है। ऑडियो भी आपका रहेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ABS का भी लाइट जलेगा, सिंगल चैनल ABS फ्रंट पर रहेगा, इंडिकेटर का यहाँ पर आपको मिलेगा, न्यूट्रल का यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपका रहता है पासिंग इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए पासिंग और यहाँ पर FI लाइट, तो इतना सारा आपको फीचर मिलता है। यहाँ पर ये रहा इग्निशन, इसका चाबी इस तरह से, फ्यूल टैंक है 12 लीटर इस तरह से। A20 अपडेट वाला 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है तो डुअल टोन की फिनिशिंग रहती है इसके फ्यूल टैंक पर। अब इंजन पर अगर आप देखेंगे भाई तो यहाँ पर आपको मिलता है कि स्पोर्ट लुक का साइड पर फेंडर दोनों साइड पर, और इंजन गार्ड इस तरह से रहेगा। 150 cc इंजन है, 5 गियर है, साइड स्टैंड का टॉप इंजन का फीचर है, साइड और मेन स्टैंड दोनों रहेगा और इस तरह से आप इंजन देख सकते हैं। फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, E20 अपडेट है, ठीक है। और इसका माइलेज आपको 40 का 45 का आराम से निकाल के दे देती है। साइड पर आप देखेंगे तो लुक इस तरह से रहेगा और ये रहा पीछे का फेंडर पूरा चैन का बार और यहाँ पर आपको मिलता है मोनो सस्पेंशन फेंडर, इस तरह से रियर का लुक आ रहा है मिलेगा आपको और इस तरह से देख सकते हैं साइड स्टैंड और गियर लीवर और ये रहा आपका फुटेज पीछे बैठने वाले के लिए, इस तरह से आप क्रोम फिनिशिंग देख सकते हैं। ये रहा भाई इसका ग्रेविल, सबसे शानदार हमें यही लगता है इसका कि आप लेडीज़ को बिठाओ आराम से बढ़िया और पैर भी रख सकते हैं ठीक ठाक और पकड़ भी सकती है, सीट भी सबसे अच्छी है। इस साइड से भी आप इंजन देख सकते हैं, इस तरह से इसका इंजन दिखेगा तो इंजन भाई सबसे ज़बरदस्त है। और यामाहा का बाइक आपको पता है कि रेसिंग गाड़ी में सबसे अच्छा सक्सेस गाड़ी है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं पूरा लुक। ये रहा इसका जो है जो साइलेंसर, अब इसका आवाज़ भी आपको सुनाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ब्रेक लीवर फुटेज देख सकते हैं। KTM से भी अच्छी गाड़ी है भाई क्योंकि KTM का ऐसा बहुत छोटा है और उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और ये सब आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर रहेगा। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। पीछे का जो टायर है वो सीएट का आपको मिल जाता है जो कि रेडाइल टायर है, यहाँ पर लिखा ही गया है। और इसका जो साइज़ है दोस्तों वो काफ़ी हैवी साइज़ में आपको टायर मिल जाता है और इसका जो साइज़ है 140/60/17 का बहुत ही गजब का भाई, हीरो ग्रिप वाले टायर से आपको मिलेंगे। टाइपिंग भी आपको इसके अलाविल पर दी गई है, पीछे का मडगार्ड इस तरह से रहेगा और अभी इसका साउंड भी आपको सुनाते हैं। पीछे की जो तेल लाइट है वो इसमें आपको बल्ब वाली मिल जाती है, इस तरह से काफ़ी प्यारी है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंडिकेटर जो कि बल्ब वाला ही रहता है, तो पूरा लुक जो है वो इस गाड़ी का यहाँ पर इस तरह से देखेगा देख सकते हैं। और कमेंट में आप ज़रूर बताओ बाइक कैसी लग रही है। इसकी कीमत है 1,48,000 रुपये, ऑन रोड प्राइस है 1,48,000। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए।